मिली और खासकर मदद मिली है ग्लोबल मार्केट से। डाउ फ्यूचर्स को देखिए, 800 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वहां देखी जा रही है। कैग, डैक, फुटसी सभी में 6-6% के आसपास की तेजी देखने मिली। एशियन मार्केट भी अच्छे खासे हरे निशान में बंद हुए हैं। काफी सारे कारण हैं, एक तो कोरोना वायरस के लिए जो मलेरिया की दवा है उसका इस्तेमाल होना, यूएस फेड की तरफ से ये जानकारी दी जानी कि उसका जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस पे हो रहा है काफ़ी सारे पेशेंट्स पे, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके अलावा आप देखिए जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो कहीं ना कहीं रेट कट्स कर रहे हैं, लिक्विडिटी पुश कर रहे हैं। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया, यूरोपियन मार्केट में ये हो रहा है, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट जो है वो आज भारतीय बाजारों में भी देखने मिला। और इसी के चलते यूरोपियन मार्केट भी तेजी में थे और इसी का फायदा जो है बाजारों को मिला है, जिसके कारण अच्छी खासी तेजी जो है वो आज बाजार में देखने मिली है। हालांकि ये फ्रेश खरीदारी है या नहीं ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, देखना होगा कि FII का आंकड़ा क्या निकल के आता है। पिछले एक महीने में करीब करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा, 55,000 करोड़ इनफैक्ट मैं कहूँगा, इतनी बिकवाली जो FIIs कर चुके हैं, क्या वो थमी है या वो नहीं थमी है ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर ये केवल DIIs का पैसा है जो लगा है मार्केट में, कहाँ से ये तेज़ी आई ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, काफ़ी सारे स्टॉक्स जो इनफैक्ट आप देखिए जिन स्टॉक्स से सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी ना उन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिली है। ITC को देख लीजिए, 2 दिन से चल रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स आज चला, बाटा का काउंटर आज चला, तो ये जो स्टॉक्स थे जिनकी पिटाई भरपूर हुई थी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को देख लीजिए, बैंक्स को देख लीजिए। हालांकि HDFC बैंक ने मूड बिगाड़ा है, लेकिन HDFC बैंक को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगह कहीं ना कहीं जो तेज़ी है वो काफ़ी अच्छी देखने मिली है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी है, उसके पहले अगर इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट बंद होता है ना तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कन्विक्शन बढ़ गया है, क्योंकि एक तो ये फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी के पहले इस तरह की खरीदारी हुई है। अगर आज ये नहीं होता तो ये वीक जो है अब तक का सबसे खराब हफ्ता होता, क्योंकि इसके पहले 15% के आसपास की गिरावट जो है वो एक हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट थी। कल तक हमारे यहाँ 17-18% की गिरावट हो चुकी थी, लेकिन आज क्योंकि रिकवरी आई तो जो गिरावट है 11-12% के आसपास ही रह गई है। तो हफ्ता 4 दिन शुरुआत के खराब थे, आखिरी दिन हम थोड़े संभल गए हैं तो राहत की बात हुई है। जो ब्लैक फ्राइडे होने वाला था वो गुड फ्राइडे में बदल गया और अच्छा फ्राइडे जो है वो कहीं ना कहीं बंद हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। देखते हैं मंडे को ये रैली कितनी जारी रहती है। कोरोना वायरस सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, उसके ऊपर नज़र रखें, खासकर यूरोपियन रीजन्स, खासकर इटली और भारत में भी कितने और निकल के आते हैं केसेस, इस पर नज़र रखना है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि स्टार्टिंग में केसेस कम निकलते हैं, बाद में एक आउटब्रेक देखने मिलता है। आई होप ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हमारी सरकार लगातार कदम उठा रही है इसके लिए। महाराष्ट्र में देखिए, आज CM ने बोल दिया कि जो बाकी ऑफिसेस है सब बंद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं इसको कर्टेल करने के लिए, एंड आई होप कि ये कर्टेल होते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए ब्रेन मैपिंग, ठीक है भाई, ब्रेन मैपिंग IRCTC पे पूछ रहे हैं। देखिए हमने आपसे लगातार एक ही बात कही थी कि जब ये रिवर्स होगा तब शायद खरीदारी के अच्छे मौके हैं। 1000 के नीचे गया, 950 के आसपास, लेकिन मार्केट में क्योंकि तेज़ी आई इसके लिए इस काउंटर में तेज़ी आई, लेकिन क्या आपको इस तेज़ी में खरीदना है? नहीं, रुकिए, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है ये हमें नहीं पता। अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो ये काउंटर और गिरेगा, अभी भी अपने इशू प्राइस के 200% ऊपर स्टॉक चल रहा है, तो समझिए ना, अगर यहाँ से तेज़ी आई ना इस काउंटर में तो फिर से 1500 पहुंच जाएगा। आज 1000 पे है, 1100 पे खरीदोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, तो रुकिए, एक दो दिन रुकिए, देखो मार्केट में किस तरह की तेज़ी आती है और तेज़ी टिकाऊ है कि नहीं, उसके बाद ही इस काउंटर को खरीदना। क्यों? क्योंकि काउंटर काफ़ी महंगा है, तो धुलाई होती है तो इस काउंटर की सबसे पहले होती है, इसके लिए अभी नहीं खरीदना है, रुकिए 2-3 दिन। 1000 की जगह 1100 पे खरीद लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 100 पॉइंट की रैली जाएगी, 400 पॉइंट की रैली मिलेगी, लेकिन अगर अभी खरीद लिया और यहाँ से और नीचे गया तो आपका बचा कुचा पैसा भी चला जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ IRCTC वेट एंड वॉच। आई होप कि ये जो यू टर्न लिया है इस काउंटर ने वो बरकरार रहे, लेकिन वेट एंड वॉच, उसके बाद खरीदना। अगला है जुबिलेंट फूडवर्क। अशोक मकवाना पूछ रहे हैं क्या करें अभी। देखिए अशोक जी, जुबिलेंट फूडवर्क एक काउंटर बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह के मेजर्स लिए गए ना, मॉल बंद, रेस्टोरेंट्स बंद, इसका इम्पैक्ट अगले कुछ क्वार्टर्स में आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने मिलेगा। चलिए हो सकता है कि इस क्वार्टर में ही मिले, अगले क्वार्टर में ना मिले, इस क्वार्टर में हालात सुधर जाए, लेकिन भैया इस क्वार्टर में तो हालात ख़राब होंगे ना, उसको कहीं ना कहीं मार्केट फैक्टर इन करने जा रहा है, और इसके लिए आपने इस काउंटर की धुलाई देखी। लेकिन डज दैट चेंज द वर्ल्ड फॉर जुबिलेंट? नहीं, एक क्वार्टर है वहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, उसके वजह से स्टॉक की पिटाई हो रही है। आगे जाके जब हालात सुधरेंगे तो आप याद रखिए, ये कुछ फेवरेट बेट्स थे लोगों के, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बाटा, PD लाइट,
तो इन काउंटर्स में आपको फिर से उसी तरह की तेजी देखने मिलेगी। लेकिन अभी एक्यूमुलेट करना है क्या, धीरे धीरे कीजिए। आज की तेजी देख के मेरा थोड़ा कन्विक्शन बढ़ गया, इसके लिए मैं आप कहूँगा कि 25% के आसपास का एलोकेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा 30% के आसपास का एलोकेशन करना। एक दो दिन और देखिए, अगर मार्केट ऐसे ही सुधरते हैं तो जुबिलेंट फूडवर्क जैसे काउंटर जो है उनमें खरीदारी का बहुत अच्छा मौका बन जाएगा। लेकिन दुखिए, थोड़ा ही इन्वेस्ट करना, पूरा एक साथ अभी मत कीजिए, एक दो दिन और रुक जाइए, थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, निधि पूर्वक अशोक लेलैंड इन्वेस्टमेंट, अब कितने लंबे समय का आपने इन्वेस्टमेंट किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अशोक लेलैंड थोड़ी डाइसी सिचुएशन में। आप देखिए, अशोक लेलैंड है, इंडसइंड बैंक है, इन काउंटर्स की पिटाई होते जा रही है, मार्केट सुधरता है लेकिन ये काउंटर संभलने का नाम नहीं ले रहा। अशोक लेलैंड के साथ तो प्रॉब्लम भी ये है कि एक तो इकोनॉमी जब सुधरेगी ना तब इन काउंटर्स में रिवाइवल आएगा, उसके पहले रिवाइवल आना इन काउंटर्स में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि जिस तरह से पिटाई हुई है, अगर मार्केट में तेजी रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कि 15-20% के आसपास की तेजी जो आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी, लिख के ले लीजिए बात। लेकिन वो दिन कब आएगा ये मुझे नहीं पता, क्या 50 पे जाने के बाद आएगा, आज 60 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या ये 50 के जाने के बाद आएगा, 50 के बाद आएगा तो क्या कहाँ पहुँचेगा 20% पे भी, 60 पे। लेकिन 60 पे जो है अगर गिर गया तो और गिरावट आ सकती है, ये प्रॉब्लम है। तो कन्विक्शन इस काउंटर को लेके नहीं है, हालांकि मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर ये लिक्विडिटी जारी रही ना तो इस काउंटर में थोड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन इससे अच्छे अच्छे काउंटर्स हैं, वहाँ पैसा लगा लीजिए, क्यों ऐसे डाइसी सिचुएशन में फंसना जहाँ पे पता नहीं है स्टॉक गिर क्यों रहा है, क्या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, क्या इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर चिंता है, पता नहीं हो। दसाई साहब तो इसको ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तो ये सब चीज़ें याद रखिए, फिलहाल दूर रहें, लेना है तो थोड़ा बहुत ले लीजिए, लेकिन बस लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे मैं नहीं लूँगा शायद इन काउंटर को, थोड़ा वेट करूँगा, वेट एंड वॉच के बाद ही लूँगा। अच्छा, वर्षा भोसले पवार, MCX और HDFC बैंक। देखिए, MCX तो बहुत अच्छा काउंटर है, नो डाउट। मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ा था जो कह रहे थे कि जिस तरह से गोल्ड और कच्चे तेल में ट्रेडिंग हो रही है, जो भी है वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसका फ़ायदा जो है वो MCX को आने वाले क्वार्टर्स में मिलता हुआ दिखाई देगा। और 1600 के आसपास के दाम जो है ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस इस काउंटर पे दे रहे हैं, 1100-1100 के लेवल्स के आसपास ये है, एक अच्छा बेट बनता है MCX इन लेवल पे भी। तो मेरे ख्याल से MCX में खरीदारी जो है वो बिल्कुल बनती है, हालांकि इस काउंटर में मीडियम टू समवॉट लॉन्ग टर्म का जो कॉल है वो आपको लेना चाहिए, 6-12 महीने के लिए लीजिए, पैसा बनेगा इस काउंटर में, बनना चाहिए। HDFC बैंक, आज देखिए बर्नस्टेन की जो रिपोर्ट आई कि HDFC बैंक जो है उसका जो एक्सपोजर है अनसिक्योर्ड लोन्स में ज़्यादा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है वो सीधा आधा कर दिया, 1400 से काट के 700-800 के आसपास का टारगेट दिया। और इसी चिंता की वजह से सुबह सुबह आपने देखा कि HDFC बैंक की पिटाई जो है वो शुरू हो गई थी। उसके उलट UBS की एक रिपोर्ट आई, अब UBS की रिपोर्ट क्या कहती है, UBS की रिपोर्ट कहती है कि ऐसी कोई चिंता नहीं है, उनका तो 1400 या 1500 का टारगेट जो है वो अभी भी बरकरार है। तो ये जो दो फोर्सेस है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं इस बैंक को आज जकड़ के रखा था। और इसके लिए आपने देखा कि बैंक निफ्टी जो है वो लाल निशान में तो बंद नहीं हुआ, लेकिन हरे निशान में भी उतना नहीं था, 70-80 पॉइंट के आसपास ही था जब क्लोजिंग में देख रहा था। अगर HDFC बैंक नहीं टूटता तो आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी होती, बैंक निफ्टी में तेज़ी होती तो जो सेंसेक्स और निफ्टी है ना उसमें आपको और 100 पॉइंट के आसपास की कम से कम तेज़ी जो है वो देखने मिलती। हालांकि किसी बर्नस्टेन के मुकाबले शायद मैं UBS की रिपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो दूंगा, एक तो कन्विक्शन वहाँ से बढ़ जाता है ना कि ये UBS ही था जिसने येस बैंक के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, 1000 रुपये पे जब ये था 750 पे इन्होंने प्राइस टारगेट दिया था और तब से अब तक 1 रुपये का टारगेट दे चुके हैं। और ये UBS है जो HDFC पे कन्विक्शन दिखा रहा है, बोल रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस वजह से मेरा कन्विक्शन जो है UBS की रिपोर्ट के साथ ज़्यादा है। मेरे ख्याल से जब जब HDFC बैंक गिरेगा आपको इस काउंटर में खरीदारी करके ही चलनी चाहिए, आपको इस काउंटर को बेचना नहीं है, बहुत अच्छा बैंक है। कभी कभी ऐसी रिपोर्ट्स आ जाती है, और मैं तो बोलूँ अच्छा ऐसी रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि जब भी ऐसी रिपोर्ट्स आती है ना तब तब इन काउंटर में खरीदारी का बहुत अच्छा मौका होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ खरीद गिरेगा खरीद लेना। कृणाल पटेल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओहो एट CMP 100 तो नहीं है मेरे ख्याल से CMP इस काउंटर का, लेकिन ठीक है, डिक्सन विक्सन जैसे काउंटर अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। आज वैसे भी वो खबर आई कि 40-42 करोड़ के 1000 करोड़ के आसपास जो है टेलीकॉम सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उसको दिए जाने वाले हैं, तो अगले 4-5 साल में खर्चा जो है वो किया जाने वाला है। तो डिक्सन एक कंपनी है जो कि मोबाइल पार्ट्स कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, तो इनके लिए ये जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव कदम जो है वो होगा। और वैसे भी देखिए भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी सारे कदम जो है इसके पहले भी सरकार उठा चुकी है, और अब फिर से ये कदम जो है सरकार उठाने जा रही है, काफ़ी सारा फंड्स जो है उस सेक्टर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है।
ऐसा अगर होगा तो डिक्सन जैसी कंपनीज जो है उनको काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। और इसी के चलते आपको याद होगा इस साल के शुरुआत में भी काफ़ी सारे लोगों का डिक्सन के ऊपर जो टारगेट था 5,000 के ऊपर के टारगेट से, हालांकि इस मार्केट की गिरावट में ये काउंटर भी गिरा है। लेकिन याद रखिए यही वो काउंटर्स हैं, इसी टाइप के वो काउंटर्स हैं जो आपको इन गिरावट में अच्छे मौके देते हैं। क्योंकि याद रखिए जिस दिन मार्केट में तेज़ी वापस आएगी ना, उस दिन आपको फिर से इन काउंटर में खरीदारी देखने मिलेगी, क्योंकि फंड्स जो है इन काउंटर्स को फिर से चेस करते हुए दिखाई देंगे। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि डिक्सन जैसे काउंटर्स जो है आपको ले लेना चाहिए। इस गिरावट में कंपनी अच्छी है, आगे जाके अच्छा खासा फ़ायदा आपको दिला सकती है, रिटर्न अच्छे मिलेंगे, इसके लिए ले लीजिए। स्वप्निल ओसवाल, ITC 5 साल के लिए ले लीजिए सर, 5 साल के लिए। 5 साल में अगर यहाँ से 250-300 पहुँच गया तो अच्छा है, आपको 125 रुपये के आसपास का फ़ायदा हो जाएगा पर शेयर का, मतलब ऑलमोस्ट आपके पैसे डबल हो जाएंगे। वैसे भी FD में रखते तो 7 साल लगते ही है, लेकिन एक बात अच्छी है इस काउंटर के साथ, 2 दिन में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। एक तो काफ़ी पिटा हुआ था स्टॉक, और दूसरा जो डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया शायद वो एक बड़ा बूस्टर था जिसकी वजह से इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। हालांकि डिविडेंड को लेके एक बात और याद रखिए कि डिविडेंड से चलो आपके रिटर्न रेशियोज जो है वो सुधरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इसको मान के चलता है, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है वो मान के चलते कि आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो कम है। नो डाउट स्टॉक अच्छा चल रहा है, मेरा वैसे भी जो निजी टारगेट है 200 रुपये का इस काउंटर पे था, तो 200 रुपये तक के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट 180 का होगा मेरे ख्याल से, आज उस लेवल के आसपास ही था। दूसरा टारगेट 200 का होगा, एक बार वो आ जान दीजिए, उसके बाद शायद हम और अच्छा व्यू ले पाएंगे। लेकिन 5 साल के लिए अगर आपको लेना है ले लीजिए, नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काउंटर है ये, अपने पैसे आप रख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा भावेश राठौड़, अडानी गैस। देखिए भावेश जी, ये वो कंपनीज है ना, अडानी गैस, अडानी ग्रीन, IGL, MGL, जब मार्केट में तेज़ी आ रही थी तो ये लोगों के प्रिफर्ड बेट थे, लोगों को ये काउंटर्स इतने पसंद थे। आज भी लोगों को ये काउंटर्स पसंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, लेकिन वही होता है ना कि जहाँ तेज़ी आई है गिरावट भी वहीं आएगी, लोग कहीं ना कहीं पैसा वहीं से निकालेंगे, उसके चलते इन काउंटर्स में अच्छी खासी गिरावट आई। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है अडानी ग्रुप कंपनीज में, इस पूरे गिरावट के दौर में एक खास चीज़ देखी गई है कि रोज़ अडानी ग्रुप के प्रमोटर जो है वो शेयर्स अपने प्लेज कर रहे जा रहे थे, लगातार इन काउंटर्स में जो प्रमोटर्स की प्लेजिंग है वो जारी थी। अभी प्रमोटर्स की प्लेजिंग इतने हाई लेवल पर क्यों जारी थी, इसका कोई रीज़न मुझे अभी तक समझ में आया नहीं, और वो भी मार्केट की गिरावट में। और याद रखिए अगर मार्केट वापस गिरता है ना तो ये प्लेशर वाली कंपनीज है ना, इनकी सबसे ज़्यादा पिटाई होती है। ले लीजिए नो डाउट, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन काउंटर्स में करना कहीं ना कहीं अपना ट्रेड जो है, क्योंकि कभी भी काउंटर्स पलट सकते हैं, थोड़े रिस्की काउंटर है अदानी ग्रुप के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन काउंटर्स में ट्रेड करना। चलिए इसी के साथ अभी हम आपसे विदा लेते हैं, 2 दिन की छुट्टी है, और वैसे भी देखिए काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया है कि आप छुट्टी पर चले जाइए, और गवर्नमेंट्स क्या जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बोल दिया कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो करें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, संडे को जो मोदी जी ने अपील की है कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, आप अपने घर पे रहिए, कोशिश कीजिए कि इस कोरोना वायरस को कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें और इस देश की जो सेफ्टी है वो बरकरार रखें। स्टे सेफ, और मंडे को फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।